दिल्ली के जामा मस्जिद से कोलकाता तक। लखनऊ से दिल्ली तक जुम्मे की नमाज के बाद प्रोटेस्ट। नुपुर शर्मा के समर्थन में उतरे नीदरलैंड के डोनाल्ड ट्रंप। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भी नुपुर के समर्थन का किया ऐलान। नुपुर शर्मा के मोहम्मद पैगंबर पर दिए आपत्तिजनक बयान पर पूरे देश में उबाल है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जुम्मे की नमाज के बाद विरोध की आग भड़क गई। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो नुपुर शर्मा का खुलकर समर्थन भी कर रहे हैं। समर्थन सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी हो रहा है। जी, जहां खाड़ी देश विरोध का बिगुल बजाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीदरलैंड के सांसद ग्रीट विल्डर्स, जिन्हें वहां का डोनाल्ड ट्रंप तक कहा जाता है, उन्होंने बकायदा भारत को आतंकी धमकियों से ना डरने की सलाह दी है। साथ ही सभी भारतीयों से नुपुर शर्मा के समर्थन में खड़े हो जाने की अपील तक की है। देखिए उन्होंने क्या कहा है। नीदरलैंड के सांसद ग्रीट विल्डर्स का ट्वीट देखिए। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, अलकायदा जैसे इस्लामिक आतंकवादियों के आगे मत झुको, वो बर्बरता का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूरे भारत को नुपुर शर्मा के साथ होना चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए। कई साल पहले अलकायदा और तालिबान ने मुझे अपनी हिट लिस्ट में रखा था। मुझे इस सबसे एक ही सीख मिली है, आतंकवादियों के आगे कभी मत झुको, कभी नहीं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एक और बड़ा ट्वीट सुर्खियां बन रहा है और वो ट्वीट है सांसद प्रज्ञा ठाकुर का। अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहने वाली प्रज्ञा ठाकुर ने जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट में वो अपनी चुप्पी तोड़ते हुए दिखाई देती हैं। नुपुर शर्मा का बिना नाम लिए वो समर्थन करते हुए इस ट्वीट में कैसे लिखती हैं, वो देखिए। उन्होंने लिखा, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। जय सनातन, जय हिंदुत्व। बात यहीं खत्म नहीं होती, अब सपा नेता रुबाना खान से भी मिल लीजिए। रुबाना को अगर आप नहीं जानते तो आगे आपको इनका परिचय भी देंगे। मगर उससे पहले रुबाना ने ओवैसी को कैसे निशाने पर लिया, उनका ये बयान सुर्खियां क्यों बन रहा है, वो भी देखिए। रुबाना कहती हैं, बैरिस्टर साहब, जिनके खुद की शेरवानी मैली हो वो दूसरों को धोबी घाट का पता नहीं बताया करते। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता और विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी भारत के 100 करोड़ हिंदुओं के आराध्य का अपमान करते हैं, उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, लेकिन वो बरी हो जाते हैं। जी, ये वही रुबाना खान है जो अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहती हैं। वही रुबाना जो कहती थी कि हिजाब पर हाथ डालोगे तो हाथ काट देंगे। मंदिरों के बाहर नमाज पढ़ने तक की रुबाना ने धमकी दी थी, लेकिन अब ओवैसी के भाई पर हमलावर हो रही है। खैर, देश के कई हिस्सों में जुम्मे की नमाज के बाद विरोध की आग धधक रही है। गिरफ्तारी की तलवार की धार अब और तेज हो रही है। कई शहरों में जुम्मे की नमाज के बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन संकेत दे रहा है कि विवाद शांत होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। भले ही जुम्मे की नमाज के वक्त प्रयागराज थोड़ा गर्म हुआ, लेकिन जल्द ही पुलिस ने प्रयागराज को ठंडा करने का काम कर दिया। पुलिसिया कार्रवाई में प्रयागराज जल्द ही शांत हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर देहात में तो खुद SSP साहब ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर मोर्चा संभाल रखा था। वहां तो परिंदा भी पर नहीं मार पाया। ऐसे में सवाल ये कि एक तरफ विरोध और दूसरी तरफ समर्थन के सुर, क्या इस विवाद को इतनी जल्दी शांत होने देंगे? आसार कम लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।